नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी और नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रतिदिन हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये 17वीं वीडियो है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल भी पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में एडवर्ब पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है, क्योंकि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो पहली बार अगर आप इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। एडवर्ब नाम से स्पष्ट है, ऐड समथिंग टू द वर्ब, यानी जो वर्ब में कुछ जोड़ देता है वह एडवर्ब है। यानी कि वर्ब, जैसे मैंने कल ही आपको बताया, एक्टिविटी, आपके द्वारा किया गया कोई कार्य, खाने का ईट, नाचने का डांस, लिखने का राइट, चिल्लाने का क्राई सी आर वाई, ये सभी वर्ब हैं और इनके बारे में ही कुछ बता रहा है अगर, तो वो एडवर्ब है। तो एक और चीज़ है, सिर्फ ये वर्ब के बारे में ही नहीं बताता है बल्कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताता है। यह विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की, या स्वयं एडवर्ब एडवर्ब की ही विशेषता बताता है। अब आप कहेंगे एडजेक्टिव क्या है, तो भाई एडजेक्टिव पहली वीडियो आपने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको हम बता दे रहे हैं कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। वैसे आप सभी वीडियोस को देखिए, क्रम से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही सबसे बड़ा अंतर है कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है और एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बचे शब्द जो हैं, यानी कि क्या बच रहा है, एडजेक्टिव बच रहा है, वर्ब बच रहा है और स्वयं एडवर्ब बच रहा है, इन तीनों की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब एडवर्ब की ही विशेषता बताता है। कैसे, आइए समझते हैं। ये लिखा हुआ है सी रैन फास्ट, वह दौड़ी, दौड़ी तो दौड़ने का एक तरीका होता है, आप तेज भी दौड़ सकते हैं, आप धीरे भी दौड़ सकते हैं। तो ये दौड़ने के बारे में ही बता रहा है ये फास्ट शब्द कि कैसे दौड़ी फास्ट। मान लीजिए बच्चा है, उसको आपने धीरे से एक चाटा लगाया तो वो रो रहा है, तो रोने का जो कार्य है, रोने का तरीका है उसका, धीरे धीरे हो रहा है, और आपने उसको एक डंडा कायदे से लगा दिया, एक चाटा कायदे से उसके गाल पर लगा दिया, तो फिर उसके रोने का तरीका बदल जाएगा, फिर वो जोर जोर से रोने लगेगा। यानी कि उसके कार्य करने के तरीके में बदलाव हो रहा है, ठीक है। बच्चे को आपने उठाकर पटक दिया ज़मीन पर, वो और तेज रोने लगा, गाली भी देने लगा आपको, ठीक है, और उसके बाद वो मतलब बहुत बुरी तरह से रोने लगा। तो आप देखेंगे कि जब आप उसको धीरे से एक चाटा लगा रहे हैं तो धीरे धीरे रो रहा है, जब बच्चे जिद करते हैं तो आप देखा करिए, जब एक चाटा जोर से लगा दिया तो वो और ज़ोर से रोने लगा, और फिर उसको एक चॉकलेट दे दिया तो फिर रोने का तरीका फिर धीमा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसे कार्य करने के तरीके में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं फ्रेंड, इसी को बताने के लिए, इसी को प्रदर्शित करने के लिए जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं फ्रेंड, वही एडवर्ब होता है, ठीक है। शॉट खेल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, खेलने का तरीका होता है। सचिन तेंदुलकर भी खेलते हैं और इरफान पठान भी खेलते हैं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, उनके भी खेलने का तरीका है, और विराट कोहली भी खेल रहे हैं, और बाबर आजम भी पाकिस्तान के खेल रहे हैं। तो क्या ये सभी बिल्कुल एक जैसा खेल रहे हैं? नहीं, इनके खेलने के अलग अलग तरीके हैं, और उन्हीं तरीकों को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं ना हम फ्रेंड, वही एडवर्ब होता है। एकदम क्लियर है? चलिए देख लीजिए अभी सी रैन, अब ये दौड़ने का तरीका है, तेज दौड़ी वो। अगर आपको पुलिस बनना है तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर तेज़ दौड़ेंगे तभी होगा, अगर धीरे दौड़ेंगे, आपके दौड़ने का तरीका सही नहीं है, तो फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हर चीज़ का एक तरीका है, कार्य करने के तरीके को जो बताया जाता है वह होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जो मैंने अभी आपको इतना देर से समझाया वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी बताती है। एडवर्ब तो बता ही दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर भी बता दिया, एक्चुअली यही एडवर्ब ऑफ मैनर जो कार्य करने के तरीके को बताया। मतलब मेरा पूरा ध्यान एडवर्ब पढ़ाते समय वर्ब पर ही रहेगा, अब नाउन प्रोनाउन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, पता है। एडजेक्टिव पढ़ाता तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता, जैसे एक शर्ट है, मैंने कह दिया लाल शर्ट है, रेड शर्ट, तो भाई अब शर्ट के बारे में बता रहा हूँ तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ मैं वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। देखिए,
ही स्पीक्स, वह बोलता है। कैसे बोलता है? वेरी लाउडली, बहुत जोर से। तो वह बोलता है यहाँ पर दो शब्द है, वेरी और लाउडली। तो लाउडली क्या है, कहेंगे भाई ये भी तो बताने बोलने का ही तरीका हुआ, तो ये भी तो सर एडवर्ब हुआ। जी हाँ बिल्कुल, ये एडवर्ब हुआ। और लाउडली में जोर से में भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़ोर से। एक तो धीरे से जोर से होता है, मतलब जोर से भी तो बहुत ज़ोर से, ठीक है, बहुत ज़ोर से। यहाँ पर वेरी शब्द, ये वेरी शब्द लाउडली के बारे में बता रहा है, मतलब जोर से भी तो बहुत ज़ोर से। तो यहाँ वेरी शब्द एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है, यानी लाउडली किसकी बता रहा है, तो कहेंगे सर वर्ब की, बोलने का तरीका है जोर से, और जोर से भी तो कितना जोर से, बहुत जोर से। देखिए कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से सब। तो यहाँ पर ये एक एडवर्ब है, वेरी भी एक एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि वह एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। लाउडली भी एक एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि वह वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दीज आर, ये हैं वेरी स्वीट एप्पल्स। एप्पल्स मतलब सेब, नाउन है, नाउन है ना, और नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि नाउन कैसा है, मीठा है। भाई नाउन के बारे में बताया जा रहा है, आप कहेंगे अच्छा तब तो ये एडजेक्टिव है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, नाउन के बारे में बताएगा तब तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्वीट क्या है, मीठा क्या है, सेब, तो मीठा तो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इस मीठे की भी बात हो रही तो बहुत मीठा है ना, मीठा भी, सेब आप खाइए वो भी मीठा है, चीनी भी खाइए वो भी मीठा है, लेकिन चीनी तो बहुत मीठा हो जाएगा, सेब शायद कम मीठा हो चीनी की तुलना में, ठीक है। तो वेरी शब्द जो है एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, कौन सा एडजेक्टिव, स्वीट, और स्वीट एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आप एडवर्ब को जहाँ भी देख रहे हैं, पहले वाले वाक्य में एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है, दूसरे वाले वाक्य में एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तीसरे वाले वाक्य में एडवर्ब स्वयं एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है। तो ये मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया कि ये किस किस की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब वो कार्य करने के तरीके को बता रहा है, यानी कि रोने का तरीका, शॉट खेलने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, नाचने का तरीका। आप देखा करिए लोग नाचते भी अलग अलग तरीके से हैं, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल एक इंसान कुछ अलग तरीके से नाचता है, कुछ तो अलग अलग प्रकार से नाचते हो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ऐसे वह बात करता है तो बहुत अच्छे से बात करता है, वो लोग बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पर बात करने की विशेषता बताई जा रही है बहुत अच्छे से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तरीका, आई रीड माई बुक केयरफुली, मैं अपनी किताब को सावधानीपूर्वक पढ़ता हूँ। कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि याद ही नहीं होता, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि याद हो जाता है। तो पढ़ने का भी अलग अलग तरीका होता है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिख दिए, स्लोली, क्विकली, ईजली, फास्ट, रन फास्ट, तेज़ी से दौड़ो, तो ये भी एक एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कार्य करने का तरीका। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जो कार्य करने के समय को बताता है, क्या बताता है, कार्य करने के समय को। यहाँ पर आपसे ये सेंटेंस लिख कर अगर दे दे कि बताइए सून क्या है, तो मैं आऊँगा, आऊँगा जल्द ही आऊँगा, आने के बारे में बता रहा, कब, जल्द, कब भाई, कब आऊँगा, जब, जल्द आऊँगा, ठीक है। तो वर्ब से ही तो कनेक्ट हो रहा है, मैं आऊँगा जल्द आऊँगा, सी विल गो, मैं मुंबई जाऊँगा, मैं जाऊँगा, कब जाऊँगा भाई, द नेक्स्ट डे, अगले दिन जाऊँगा। तो ये पूरा का पूरा द नेक्स्ट डे जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है, ये पूरा का पूरा जो द नेक्स्ट डे वर्ड है ये गो के बारे में बता रहा है कि कब, तो अगले दिन। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, देख लीजिए कुछ वर्ड, नाउ, सून, देन, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब जो एडवर्ब जगह के बारे में बताता है, कम हेयर, आओ, कहाँ आओ भाई, यहाँ आओ, यहाँ यहाँ, किसी जगह पर बुला रहे हैं आप, तो आने का काम होगा कहाँ, यहाँ। रागिनी काम करती है, कहाँ काम करती है, यहाँ, ये कोई जगह है। जब एडवर्ब किसी जगह के बारे में बताता है तो ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हर जगह किताबें हैं, है ना, एवरीवेयर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, हेयर है, देयर है, नाउ, नोवेयर, एवरीवेयर, ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कार्य करने की बार को बताता है, बार मतलब कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, हरदम, रोज, अक्सर, मैं मुझे अक्सर देता हूँ, यानी कि ये टाइम, ये वर्क कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, रोज हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने को बताते हैं कि वो कार्य कितनी बार हो रहा है, रोज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, कुछ इस प्रकार से, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, डेली, रोज, जनरली, सामान्यतः, अक्सर, नेवर, कभी नहीं। तो ये भी वर्ब से ही संबंधित है, वह कभी लेट नहीं आता है, वह कभी, अभी के आता है,
आता है, ठीक है, और कभी नहीं। तो यहाँ पर सी नेवर या नेवर इस बात को बताता है कि कभी नहीं, यानी कार्य होने की बार को बताता है कि कभी भी वो लेट नहीं आता है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बोलता हूँ, और कब बोलता हूँ, कभी कभी नहीं, हमेशा बोलता हूँ। अरे भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ सच, ठीक है। तो यहाँ ऑलवेज शब्द जो है, देखिए, स्पीक के लिए यूज़ हो रहा है। याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्ब के ठीक पहले आती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो आप देख रहे थे वो वर्ब के बाद आ रहे हैं, गो के बाद आ रहा है, ये कम के बाद आ रहा है। और एडवर्ब ऑफ मैनर पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी टास्क के बाद वेल आ रहा है, स्पीक्स के बाद फ्लुएंटली आ रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, ये वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब के पहले आता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। सी नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आती है, या नेवर शब्द कभी नहीं को बता रहा है, मतलब कि कार्य कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और डिग्री की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जिस तरह से एडजेक्टिव की डिग्री होती है, उसी तरह इनकी भी डिग्री अगर संभव है तो बनाई जाती है। जैसे हार्ड है, आई वर्क हार्ड, ठीक है, आई वर्क हार्ड, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, कठोर काम, मतलब मेहनत करता हूँ काफ़ी, तो मेरे वर्क करने का तरीका है। अब जैसे आप विद्यालय में मान लीजिए एक चपरासी की बात कर लीजिए, ठीक है, या सफाई कर्मी की बात कर लीजिए, तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, मतलब कंपेरेटिव टू अदर जॉब्स की तुलना में। आप कह दें कि सफाई कर्मी हुआ या जो रिक्शा चलाने वाला है वो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है। तो ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर कार्य करता है तो भी काफ़ी मेहनत भरा काम करता है। तो यहाँ हार्ड शब्द वर्क के बारे में बता रहा है। अब एक व्यक्ति बाइक चला रहा, एक व्यक्ति बस चला रहा है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक ठेला खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है मेहनत तो ज़्यादा मुझे लगता है ठेले वाला ही कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि आई वर्क, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से कर, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ता है, जहाँ पर कम काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोली है, अगर मान लीजिए इस प्रकार का शब्द है स्लोली, देखिए स्लोली में और अर्ली में, देखिए मैंने दो तरीके से बनाया, अर्ली का अर्लियर और अर्लीस्ट बना रहा हूँ। पता है ये अर्ली एक शब्द है, लेकिन स्लोली क्या है, सफिक्स जोड़कर बनाया गया। एक्चुअली क्या है कि स्लो शब्द में एल वाई अलग से जोड़ा गया है, इसमें ऐसा नहीं है, अर्ली में ऐसा नहीं। तो अगर अलग से जोड़कर बनाने वाला शब्द, यानी ऐसा शब्द है जिसमें एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर हम एडवर्ब बनाए हों और उसका हमको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है, तो मोर स्लोली मोस्ट स्लोली, यानी मोर और मोस्ट लगाकर बनेंगे। लेकिन अगर इस शब्द का जो जन्म हुआ है, जन्म से ही एल वाई लेकर पैदा हुआ है, यानी अर्ली शब्द ही ऐसा है, तो ऐसे में हम अर्लियर और अर्लीस्ट बना सकते हैं। दोनों पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग से एल वाई जोड़ा गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बनता है, शब्द बनाई है। तो ये एडजेक्टिव की तरह ही डिग्रियों में ज़्यादा परिवर्तन मतलब होता है। तो हम एडजेक्टिव जो आपने पढ़ा वही रूल यहाँ पर भी पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स, ये डिग्रीज भी हो गई, और ये एडवर्ब हो गया कि एडवर्ब होता क्या है। अब प्रमुख एडवर्ब पर मैं चर्चा करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टू, टी डबल ओ टू हो गया, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, इनफ का प्रयोग पिछली बार टी शिक्षक भर्ती में भी शायद आया था एक नंबर का, तो वो सब अभी इस अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप रेगुलर वीडियोज़ को देखिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिए नए फ्रेंड्स को, नए जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले हैं, कैंडिडेट हैं, उनको आप वीडियोज़ भेजा करिए, लोग जुड़ें ताकि अपना मनोबल बढ़े। आपसे यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अधिक लोग देखेंगे तो अपने को भी अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।